सिविक फोरम एक और इम्पॉर्टेंट रोल है मीडिया का, जो वो किसी भी सोसाइटी में प्ले करती है, और इस वजह से वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है लोगों को और डिफरेंट एक्टर्स ऑफ द सोसाइटी को, जिसके ऊपर वो अपने अपने प्रॉब्लम्स को शेयर भी करते हैं, उन पे डिबेट्स भी करते हैं और उन पे डिस्कशंस भी करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए डिस्कशंस और डिबेट्स की जाती हैं, और उसका जो रिज़ल्ट है वो किसी सोल्यूशन की शक्ल में निकलता है, या एक उस प्रॉब्लम के ऊपर या उस मैटर के ऊपर या उस एजेंडा के ऊपर कंसेंसस की शक्ल में हमें नज़र आता है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मीडिया अपना ये रोल भी प्ले करता है एज ए सिविक फोरम के तौर पे, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड करता है जहाँ पर जनरल पब्लिक भी अपना ओपिनियन शेयर करती है, और दूसरे जो प्लेयर्स हैं सोसाइटी के या दूसरे एक्टर्स हैं सोसाइटी के, वो भी अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। प्रॉब्लम्स को अगर हाईलाइट किया जाता है तो कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशंस को या कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाता है ताकि वो अपना अपना ओपिनियन वहाँ पर शेयर कर सके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो मीडिया प्ले करता है पाकिस्तानी सोसाइटी में। उसके अलावा मीडिया सोशल कोहेजन में भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी। पाकिस्तान में मल्टी लिंगुअल मल्टी एथनिक सोसाइटी है, जिसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के साथ और मुख्तलिफ रिलीजन्स के साथ रहते हैं, लेकिन एज ए सिटीज़न ऑफ द स्टेट उनके ये बेसिक कुछ राइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफ़िल की जाए। और इसीलिए कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स या कॉमन ऐसी इश्यूज़ भी होते हैं जिनके ऊपर कंसेंसस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सोसाइटी की डेवलपमेंट में पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट किया जा सके। और उसमें मीडिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर डाइवर्स सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स को शेयर भी करते हैं, अपने अपने कंसर्न्स शेयर करते हैं, या अगर उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं रिगार्डिंग द एक्शंस और द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट तो उनको भी शेयर किया जाता है, और उसकी बेसिस के ऊपर उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ये कोशिश करते हैं कि उसको सॉर्ट आउट किया जाए। उसके अलावा बहुत से ऐसे ग्रीवियंसेस हैं जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ पाकिस्तानी लोगों को हैं, और उनको शेयर करना भी ज़रूरी है, उनको हाईलाइट भी करना ज़रूरी है। सो उसके लिए भी मीडिया एक अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है, और वो बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है एज अ सिविक फोरम इन द पाकिस्तानी सोसाइटी, और वो लोगों को कैथारसिस करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह जो है वो फराहम करता है। जिस तरह एरिस्टोटल ने अपनी किताब पोएटिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो मीडिया के बारे में कही थी, और उसने कहा था कि मीडिया इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर कैथारसिस एंड इट इज़ मस्ट फॉर अ नॉर्मल लिविंग इन द सोसाइटी। सो इसका मतलब है कि फिलोसोफर्स भी मीडिया को कंसिडर करते हैं एज एन अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर अ नॉर्मल सोसाइटी, फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो बेसिक ओरिजिन है वो भी हमें ग्रीक फिलॉसफी से नज़र आता है। सो इसी तरह उन्होंने, ग्रीक फिलॉसफर्स ने मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो रोशनी डाली या उसके रोल को बहुत हाईलाइट किया इन अ सोसाइटी एंड स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो सिमिलरली अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी में देखें जहाँ पे अभी डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही है और मीडिया भी फ्लरिश कर रहा है, और अगर हम ये ट्रेंड को एनालाइज करें तो मीडिया इंडस्ट्री और डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा साइड बाई साइड फ्लरिश की है। इस वजह से दोनों जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और पॉजिटिवली एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट भी करते हैं। ऑल्दो अभी बहुत से ऐसे मसाइल हैं या बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है फॉर मेकिंग मीडिया मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर इंडिपेंडेंट, मोर फेयर, मोर न्यूट्रल इन पाकिस्तानी सोसाइटी, लेकिन फिर भी अगर पिछले कुछ सालों में जब से मीडिया जो है वो लिबरलाइज हुआ है तो वी कैन असेस दिस फैक्ट और वी कैन कंक्लूड दिस फैक्ट दैट इट हैज़ प्लेड a positive role in the maturity of the democracy, in the development of the democracy and in the establishment of the democracy. So ye wo sari cheeze hain ya ye wo important role hai jo ki media ne play kiya hai aur logon ko ek appropriate platform diya jahan par log aake apne problems ko share bhi karte hain, highlight bhi karte hain aur phir media personnel usko jo hai wo concerned authorities ke sath discuss bhi karte hain ya un tak communicate bhi karte hain। उसके अलावा
मीडिया का जो एक और रोल है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के हवाले से, वो यही है कि वो डिफरेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ के ऊपर डिबेट्स भी करवाता है। डिफरेंट ऐसे प्रोग्राम्स आपने मीडिया इंडस्ट्री में देखे होंगे जो मीडिया चैनल्स जो हैं वो ऑन एयर करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाता है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हों, वो सोशल प्रॉब्लम्स हों, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हों, और उनके ऊपर जो है वो लोगों को भी, जनरल पब्लिक को भी इन्वाइट किया जाता है ताकि वो अपना ओपिनियन दे सकें, और उसके अलावा कंसर्न स्टेक होल्डर्स जो हैं या जो कंसर्न पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं उनके भी कंसर्न अथॉरिटीज़ को शामिल किया जाता है ताकि वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बेहतर तौर पर कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे के ओपिनियन को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें और एक कंसेंसस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट जो है वो सोसाइटी में डेवलप हो सके। उसके अलावा डाइवर्स ग्रुप्स जो हैं सोसाइटी के वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, वो अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं रिगार्डिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, रिगार्डिंग द डिफरेंट मैटर्स ऑफ द सोसाइटी। और इस तरह से जब मुख्तलिफ नौयत के जो ग्रुप्स हैं या जो डाइवर्स नेचर के ग्रुप्स हैं, बेशक वो एथनिसिटी के ऊपर बेस करते हों, वो लैंग्वेज पे, वो कल्चर पे बेस करते हों, वो रिलीजन पे बेस करते हों, जब वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड देयर पोजिशंस इन अ बेटर मैनर, और मीडिया पाकिस्तान में उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सोसाइटी में सोशल कोहेजन भी जनरेट होती है या डेवलप होती है, विच इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड पॉजिटिव नोशन फॉर अ पाकिस्तानी सोसाइटी एज वेल, जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सो ये कंक्लूड किया जा सकता है कि मीडिया का जो रोल एज अ सिविक फोरम है वो इफेक्टिव है इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी, विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली in the development and flourishing the democracy of Pakistan.